रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। जैश के दो संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में अहम सुराग मिले हैं। यूपी के डीजीपी ने संदिग्धों से 4 घंटे तक की कड़ी पूछताछ की है। हथियारों के मूवमेंट और बड़ी घटना की तैयारी के सुराग के संकेत हैं। संदिग्धों से पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव मानी जा रही हैं। जैश के दो संदिग्ध आतंकवादी देवबंद से गिरफ्तार किए गए थे और सूत्रों के मुताबिक ये सभी बीबीएम और वर्चुअल नंबरों से बात कर रहे थे। बीबीएम और वर्चुअल नंबरों से जैश के संदिग्ध आपस में बातचीत कर रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैश के दो आतंकवादियों से पूछताछ में मिले हैं अहम सुराग। पुलवामा हमले से भी तार जोड़कर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, जैश के इन दोनों ही आतंकवादियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वो अपने संगठन में शामिल करें। इनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद से लगातार इनसे कड़ी पूछताछ की गई और अब जानकर ये जानकारी मिली है कि ब्लैकबेरी के बीबीएम से ये आपस में बातचीत किया करते थे और एक दूसरे से यानी कि अपने नेटवर्क को बड़ा करने की कोशिशों में लगातार ये जुटे हुए थे। हथियारों के बड़े मूवमेंट और बड़ी घटना की तैयारी में भी ये आतंकवादी जुटे हुए थे। जैश के दो संदिग्ध आतंकवादी जिनसे लगातार की गई है पूछताछ और उनसे मिले हैं ये अहम सुराग। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने संदिग्धों से पूरे चार घंटे तक पूछताछ की है। खुद डीजीपी ने पूछताछ की है। इस पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण गंभीर सवाल पूछे गए। पुलवामा हमले मामले को लेकर भी सवाल दागे गए, जिसका जवाब इन आतंकवादियों से लेने की कोशिश की गई। आपको बता दें, अब तक की इस बड़ी पूछताछ में जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, दरअसल ये आतंकवादी हथियारों के मूवमेंट को लेकर इनकी ओर से जानकारी दी गई है और कहा गया है कि ये बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। यानी कि उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए दूसरे इलाकों में भी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। संदिग्धों से पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव मानी जा रही हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, 4 घंटे तक की पूछताछ में और क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं इन आतंकवादियों से? देखिए चित्रा, ये दोनों लोग जो कि गिरफ्तार किए गए थे देवबंद से, इनके संबंध निकले हैं जो पुलवामा के अटैकर से, उनके मास्टरमाइंड से, ऐसा बताया जा रहा है। और खुद कल डीजीपी ने भी इस मामले में लंबी पूछताछ की थी और जो एटीएस है उसने भी पूछताछ की थी। अब इस घटना के बाद, इस पूछताछ के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। खास करके ये बताया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी थे ये अब बीबीएम का इस्तेमाल करते थे, जो कि ब्लैकबेरी की जो चैट जिस पे चैट करते हैं उससे ये लोग कनेक्ट करते थे। हालांकि पूरी तहकीकात, पूरी बात अभी तफसील से आनी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि देवबंद में कुछ न कुछ इनके ऐसे संबंध रहे थे जिससे कि कई सालों से देवबंद में छुप कर रह रहे थे और इनके संबंध आतंकियों से थे। जी, छात्र थे नहीं, छात्र बनकर रह रहे थे। छात्रों को अपने आतंकवादी संगठन से जोड़ने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई थी। 4 घंटे डीजीपी ने खुद पूछताछ की है, जिसके बाद ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इससे जुड़ी हुई जैसे और बड़ी जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे हम।